भाई मेरे, क्या बढ़िया मौसम हो रहा है, बारिश हो गई। देखो भाई क्या मस्त मौसम हो रहा है। खड़ी हमारी भाई बैग पैक हो चुका है, सामान सारा पैक हो गया है। ये एक रक्सैक है और देखिए छोटा बैग है, दो बैग लेके जाना है। अब हम जा रहे हैं, बाय दीदी, बाय बाय। अब हम कपड़े लेंगे, हाँ बिल्कुल। अब हम जब हिमाचल जाएंगे तो चंडीगढ़ ही रुकेंगे। हम लोग निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए, जो है 278 किलोमीटर, 5 hours 31 minutes दिखा रहा है। चलो मिलते हैं आपसे नए सफर में। सो गाइस, निकल चुके हैं हम लोग, और जो रास्ता हम लोग आज ले रहे हैं वो है चंडीगढ़ टू यमुनानगर। यमुनानगर से फिर हम लोग निकलेंगे मुजफ्फरनगर वाला हाईवे पकड़ के, सीधा मुजफ्फरनगर वाले हाईवे से टर्न लेके बिजनौर, फिर बिजनौर से हम लोग निकलेंगे देहरादून और हल्द्वानी, देहरादून हल्द्वानी वाला या रामनगर वाला जो हाईवे है वो। और गाड़ी बहुत स्मूथ, बहुत बढ़िया चल रही है हाईवे पे, और रिफ्यूल मैंने कर लिया था, गाड़ी रिफ्यूल हो गई थी। 98-99 चल रहा था वहाँ पे पेट्रोल पर लीटर, तो समवेयर अराउंड 1200 रुपये का तेल पूरा आ गया था। और अभी हम चल रहे हैं 100 and 120 की स्पीड में, बहुत स्मूथ चल रही गाड़ी, मज़ा आ रहा है चलाने में, भगाने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो बहुत सारी एक दो चीज़ें हैं जो लोग बहुत कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्यों मैंने गाड़ी चंडीगढ़ से ली, क्या रीज़न था, तो आगे वीडियो में बताता हूँ, बने रहिए और स्टे ट्यून्ड। और बहुत सारी चीज़ें भी शेयर करनी है, दोज़ हु आर प्लानिंग टू परचेज बाइक, और कोई भी मतलब सजेशन एडवाइस चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो, या फिर मेरी मेल आईडी लिखी है या व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कोई भी डिटेल्स अगर चाहिए तो ले सकते हैं। गाइज, ये एक बेसिक कोटेशन है जो चंडीगढ़ मैंने शोरूम से बाइक उठाई है, इसमें 2,14,000 जो सबसे ऊपर अमाउंट दिख रहा है आपको, वो तो बेसिक जो मतलब एक शोरूम प्राइस ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में जो है। फिर उसके बाद जो इंश्योरेंस है और ओसी मतलब अदर चार्जेस हैं और एक्सटेंडेड वारंटी चार्जेस हैं, इसमें चार चीज़ें हैं। तो 7,000 रुपये जो है वो तो रजिस्ट्रेशन है, बट उसमें आपको गाड़ी HR नंबर की मिलेगी या फिर चंडीगढ़ नंबर की मिलेगी, ठीक है, बिकॉज़ वहाँ जो रोड टैक्स है वो है 4% और उत्तराखंड में है 8%। तो लमसम मुझे 2,40,000-2,50,000 की एक्सटेंडेड वारंटी के साथ गाड़ी मिली, और बाकी रोड टैक्स और RTO चार्जेस जो हैं वो टोटल एंड टोटल मुझे पड़ेंगे 20,000, जो मुझे हल्द्वानी जाके पे ऑफ करना पड़ेगा जब मैं रजिस्ट्रेशन कराऊँगा। तो लमसम 2,75,000-2,70,000 की मुझे गाड़ी पड़ गई है। सेम गाड़ी मुझे इन कैश पड़ रही थी 2,85,000 की हल्द्वानी से, तो ये डिफरेंस आया था, इसलिए मैंने गाड़ी चंडीगढ़ से ली। और अगर आप भी चाह रहे हो तो कोई इशू नहीं है, HR नंबर की गाड़ी भी आप चला सकते हो ऑल ओवर इंडिया, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। बट अगर जहाँ आप रह रहे हो वहीं की गाड़ी लो तो वो थोड़ा कन्वीनियंट और कम्फर्टेबल और बहुत ठीक रहता है। बट ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप हरियाणा या चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी नहीं चला सकते, दिल्ली नंबर की गाड़ी नहीं चला सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने दिल्ली में भी प्राइस पता किए थे गाड़ी के, बट दिल्ली से भी सस्ती मुझे चंडीगढ़ में ही मिल रही थी, इसलिए मेरा जो रीज़न था वो चंडीगढ़ से लेने का था। और जो मुझे बहुत क्लोजली और नियर बाई जो मेरे लोग हैं जो मुझे जानते हैं उनको पता था कि मैं लमसम 6-8 महीने से इस चीज़ को कवर अप कर रहा था कि मैं देखता हूँ कि कहाँ से मुझे ईजिली और आसानी से मिल जाएगी गाड़ी। तो फाइनली मुझे गाड़ी मिल गई, हम राइड कर रहे हैं आज, बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। क्या बढ़िया मौसम हो रहा है, बारिश हो गई, क्या मस्त मौसम हो रहा है, बारिश हो गई, थोड़ी देर आप रुके थे। उधर खड़ी है हमारी बाइक।
खड़ी अपनी बाइक और खतरनाक बारिश हो गई, मज़ा आ गया। ओहो इतनी गर्मी हो रही थी। और हम लोग अभी हैं मुजफ्फरनगर के आसपास, ये मुजफ्फरनगर का हाईवे है। गाइस हम लोग रुके एक स्टॉपेज पे और वो है जैन सिकंजी वाले। बताओ ये कहाँ देखे थे आपने, किस किस ने देखे थे? आपने देखा होगा इसको शार्क टैंक में। और ये अपनी बाइक, टाइम है शिकंजी पीने का। कहती है बढ़िया है गंदी है, बता दो कैसी। भैया टेस्टी। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा जर्नी शुरू करते हैं। और अब हम बात करेंगे मैंने गाड़ी हल्द्वानी से क्यों नहीं ली, क्या रीज़न था, और अगर आपको सही लगे तो आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हो। तो जैसे मैंने बता दिया कि 20,000 का पूरा डिफरेंस है प्राइसिंग में, इतने में आप एक्सेसरीज ले सकते हो और ज़्यादा चीज़ें भी ले सकते हो अपनी हिमालयन। जो सबसे बड़ा मेजर रीज़न था हल्द्वानी से गाड़ी नहीं लेने का वो ये था कि अगर मैं हल्द्वानी से गाड़ी लेता तो मुझे प्री बुकिंग करानी पड़ती, जिसमें 3 महीने से 6 महीने तक का टाइम लग रहा था, फर्स्ट रीज़न। और सेकंड रीज़न ये था कि मुझे गाड़ी चाहिए थी कैश में, तो मैंने चंडीगढ़ से भी गाड़ी कैश में ही ली है। और मुझे इंस्टेंटली चाहिए थी कि अगर गाड़ी अवेलेबल है तो मैं उठा लूँ एकदम से। भाई वी आर अ मिडिल क्लास बॉय, तो यार समझ सकते हैं मिडिल क्लास वाले ये सब प्रॉब्लम। तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी में फटाफट में अरेंज किया सब कुछ। और दूसरा तो रीज़न ये था कि मुझे वहाँ से 20,000 सस्ती पड़ रही थी गाड़ी, इसलिए मैंने चंडीगढ़ से ली। सो गाइस ये रीज़न ये है कि मैं आपको ये जो डैम है वो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सेम यही डैम अगर आप बिहार होते हुए नेपाल एंटर करोगे वहाँ पड़ता है। और सबसे मेन रीज़न, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि नेपाल में इंडिया का 1 रुपया 1.60 रुपये इसीलिए है क्योंकि नेपाल को इंडिया पानी देता है उस डैम के थ्रू। तो ये 100 साल का एग्रीमेंट है, वहाँ के जो राजा थे 100 साल पहले का ये एग्रीमेंट है, ये 100 साल तक यही रहेगा कि नेपाल का जो करेंसी है वो 1.60 रुपये बनेगी इंडिया के हिसाब से। ये एक रीज़न है, तो इसलिए मैंने आपको ये डैम दिखाना चाह रहा था। नेपाल एक बार गया हूँ मैं उसी रास्ते, बाकी महेंद्रनगर भी हम जाते ही रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए आपके साथ, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। बहुत अच्छा डैम है, 35 समवेयर अराउंड गेट है उसमें, तो कभी मौका लगे तो जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा देश है नेपाल, बहुत शांत, बहुत पीसफुल, और उससे भी ज़्यादा भूटान। होपफुली भगवान ने चाहा तो जल्दी हिमालयन लेके जाएंगे भूटान के ट्रिप में। और बहुत ही औसम मौसम हो गया है यहाँ पर, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। शायद आगे बहुत तेज़ बारिश हो रही है। सो ऑलराइट गाइस, पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। यहाँ से हल्द्वानी है अराउंड 10 किलोमीटर दूर, और ये देखो मीटर में 499 दिखा रहा है और नीचे दिखा रहा है 493। जैसे कि हमने जो बाइक उठाई थी वो उठाई थी वेयर हाउस से, तो वेयर हाउस से एजेंसी का डिफरेंस जो था वो 6-7 किलोमीटर का था, तो इस वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। बाकी ऑलमोस्ट 510 लमसम इतना किलोमीटर है चंडीगढ़, अगर जिस रास्ते में आया हूँ अगर उस रास्ते अगर आप आओ, और वो बहुत अच्छा है, हाईवे वाला रास्ता है, बहुत कन्वीनियंट है, कभी भी आ सकते हो आप, कैसे भी आ सकते हो, बहुत इजी है, रात को भी ट्रैवल करके आ सकते हो, अच्छा रास्ता है। सो गाइस होप करता हूँ कि आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा होगा, और देखा है तो बिना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। जल्दी से मिलते हैं किसी नई वीडियो में, टिल देन बाय 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 बाय।